नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद ब्लॉक का करमचंदपुर गांव, जहां पिछले चार सत्र में त्रिवेणी राम ग्राम प्रधान रहे हैं, इनके प्रधानी के समय में बहुत सारे घोटाले किए गए हैं। उन्हीं घोटालों की जांच शिकायतकर्ता राजीव रंजन के द्वारा जिला प्रशासन से 2014 में किया गया था। इनके शिकायत पर तत्कालीन जिलाधिकारी के निर्देश पर तत्कालिक जिला विकास अधिकारी सुरेश चंद्र राय ने जांच किया और जांच में 56 लाख रुपए घोटाले की बात पुख्ता हुई थी। इस घोटाले के अंतर्गत मनरेगा के द्वारा कराए गए कार्य शौचालय, आवास और निर्माण थे। इसी जांच के दौरान कागजी कार्रवाई चलती रही और विधानसभा 2017 का आगाज हो गया। इस विधानसभा 2017 में ग्राम प्रधान त्रिवेणी राम भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर जखनिया विधानसभा से अपनी किस्मत आजमाई और किस्मत ने उनका साथ दिया और वह विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद उन्होंने अपने प्रभाव से जांच प्रक्रिया को दबा दिया था। कोई कार्रवाई होता ना देख शिकायतकर्ता राजीव रंजन हाई कोर्ट का सहारा लिया और हाई कोर्ट ने जिला प्रशासन को नोटिस जारी कर जांच प्रक्रिया को जल्द से जल्द कराने की बात कही और राजीव रंजन ने हाई कोर्ट के नोटिस की कॉपी जिलाधिकारी के बालाजी को रिसीव करा दिया है। शिकायतकर्ता राजीव रंजन ने बताया कि कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जांच की प्रक्रिया को तत्काल पूरी कर उसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट को देनी है। वहीं नोटिस की कॉपी मिलने पर जिलाधिकारी के बालाजी ने बताया कि कोर्ट के द्वारा नोटिस मिला है और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई कराकर जांच प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। राजीव रंजन, त्रिवेणी राम के जो है घोटाले में जो है इनको न्यायालय का आदेश दिया गया है, जो ये लोग नहीं सुन रहे थे। इनको कहा भी गया था, उतारते गए, जांच हो गई 23 मई 2017 को, फिर दोबारा जांच ये आदेश कर दिए 17 सितंबर 2017 को। जांच में क्या पाया गया? जांच में 56,06,588 रुपया का गमन पाया गया। ये किस गांव का मामला था? ग्राम करमचंदपुर मोहम्मदाबाद। त्रिवेणी राम है कौन? विधायक है वर्तमान में जी। जब घोटाले के बाद जो आप कोर्ट गए हैं, कोर्ट ने किस तरह का क्या निर्देश दिया है? दिया है कि 2 महीने के अंदर न्यायालय को अवगत कराएं रिपोर्ट। ऐसे में आप डीएम जिलाधिकारी महोदय को अपना वो पत्र सौंपे, उनका उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि कर दिया जाएगा। जखनिया विधायक के खिलाफ पूर्व में कुछ घोटाले के मामले के 56 लाख इस तरह के आ रहे थे सर, तो कोर्ट के भी कुछ निर्देश आए हैं, क्या निर्देश आए हैं और क्या? इसमें माननीय उच्च न्यायालय स्तर से ये निर्देश प्राप्त है कि जांच प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पूरा कर दिया जाए, जिसके क्रम में हम लोग हमारा काम कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर भाजपा विधायक त्रिवेणी राम ने बताया कि उन्हें कोर्ट पर भरोसा है और कोर्ट का जो भी आदेश होगा उन्हें मान्य होगा। हम कोर्ट का, न्यायालय का स्वागत करते हैं। हम भी चाहते हैं कि जांच प्रक्रिया पूरी कर लिया जाए कि बार बार सामने न आए। क्या मानते हैं इसको, मतलब जिला प्रशासन या किस निर्देश देखे इसको, तेजी लाए या क्या करें? तेजी लाए, जांच हो जाए। और जो जांच है ये ज्यादा दिन से राजनीतिक दबाव में ये फंसाया जा रहा है या फंसाया गया था। क्या ये पिछली सरकार की देन थी? एकदम पिछली सरकार में मुझे जानबूझकर फंसाया गया था। गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।